बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 10th क्लास का जनरल साइंस का पेपर। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, इंशाल्लाह यही पेपर आपसे पूछा जाएगा। सो जो सवाल मैं बताने लगा हूँ, जो MCQs मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, बेटा ये आपने लाजमी तौर पर याद करने हैं। छोटी सी वीडियो है, देख लीजिए, इस वीडियो को देख के आप लोग जो है वो अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, जिस तरह 9th क्लास के अंदर मैंने आपको पेपर करवाई थी, इस दफ़ा 10th क्लास के अंदर मैं आपको करवा रहा हूँ। सो पहला है, इस्तेमाल शुदा न्यूक्लियर मैनुअल की बाकियात क्या कहलाती है, न्यूक्लियर वेस्ट। उसके बाद है, पावर का यूनिट है वाट। बहुत आसान है बनिस्बत अगर साइंस सब्जेक्ट लें तो ये बहुत ईजी है आपके। सो उसके बाद है, किसी जिसे में पोजीशन की वजह से मौजूद एनर्जी क्या कहलाती है, पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। ओम के कानून में कॉन्स्टेंट रहती है रेजिस्टेंस, करंट की मौजूदगी का पता चलाने के लिए डैश इस्तेमाल करते हैं, गलवानोमीटर। कौन सी डिवाइस एसी वोल्टेज को कम ज़्यादा करती है, ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट की अलामत वी। कौन सा इनपुट आला है, इसमें से आपने बताना है कि इनमें से इनपुट आला कौन सा है, ये जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं ना, इनमें से मोनीटर, प्रिंटर, स्कैनर या स्पीकर। सो स्कैनर इसका करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर पर तस्वीर और डिज़ाइन वगैरह बनाना कहलाता है, ग्राफिक्स। तो आई थिंक टोटल 15 आपको MCQs आने हैं, आपने 15 करने हैं और 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। इजीली आप लोग MCQs करके ही बेटा पास हो सकते हैं इसमें, ठीक है, बहुत आसान है। सो लाजमी तौर पे इस चीज़ को आपने फॉलो करना है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो उसके बाद है, सिलिकॉन का ताल्लुक किस ग्रुप से है, चौथा ग्रुप। उसके बाद है नेक्स्ट, कौन सी रेज पर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का सॉरी असर नहीं होता, अल्फा, बीटा, गैमा या लाइट रेस। लाइट रेस। लेजर से हासिल की जाने वाली सह सिंधी तस्वीर, थ्री डिमेंशनल, उसे क्या कहते हैं, होलोग्राम। मोतिया के ऑपरेशन के इस्तेमाल होने वाली लेजर, ठीक है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, सियॉन। तो बेटा इसका आंसर आपको देखना पड़ेगा, इसका आंसर जो है मुझे नहीं पता। सो देखिएगा और मुझे भी बता दीजिए कमेंट्स के अंदर, अगर मैं बुक खोलूँगा तो भाई टाइम गुजर जाएगा, ठीक है। सो इसका आंसर आपने देख लेना, जियोन आएगा, क्रिप्टोन आएगा, नियोन आएगा, आर्गन आएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये क्रिप्टॉन होगा या जियोन होगा। और वो कार्बन और लाइमस्टोन के साथ गर्म करने से हासिल होता है, स्टील, लोहा, पिग आयरन या कॉपर। पाकिस्तान के पहले मसनू सेटेलाइट का नाम क्या था, बदरवन, रहबर, स्प्टोनिक, ठीक है। तो इन दोनों में से एक आना, बदरवन या रहबर, ठीक है। सो बेटा ये आप लोगों के MCQs थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब मैं आपके साथ इनके जो शॉर्ट सवालात हैं, लॉन्ग सवालात हैं बेटा, वो शेयर करता हूँ। आपने कोशिश करनी है कि जो मैं चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर करने जा रहा हूँ ना, आपने एज इट इज़ उन चीज़ों को याद करना है, क्योंकि वही चीज़ें जो है पेपर में आनी है। और इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने मेरे बताए तरीकों से बेटा तैयारी की ना, तो आप लोग काफ़ी अच्छे मार्क्स ले लोगे, बनिस्बत अगर आप लोग स्कूल से तैयारी की है, क्योंकि स्कूल का आपको सिस्टम पता है, तैयारी करवाई जाती है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि माइंड सेट नहीं बनता, पेपर है, माइंड सेट बना हुआ है। इंशाल्लाह ताला जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, तो आपने लाजमी तौर पर बेटा इन चीज़ों को करना है। सो अब चलते हैं छोटे सवालात की तरह। बेटा आगे बढ़ने से पहले आप तमाम बच्चों से छोटी सी रिक्वेस्ट है बेटा, जल्दी से आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर देना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर दें। और भाई अगर जो भी आप लोग फिलहाल वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, जैसे ये फर्ज कर लें आपके ने अभी ये जनरल साइंस वाली वीडियो जो है बेटा बनी हुई है, तो नीचे यहाँ पे लाइक का बटन होगा बेटा, जल्दी से लाइक का बटन दबा दें, क्योंकि लाइक करने से वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट तक पहुँच जाती है और वो लोग भी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू, ठीक है। सो लाजमी तौर पर बेटा आपने यहाँ से वीडियो को लाइक कर देना है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट, हम लोग वर्क की तारीफ करें और इसका यूनिट लिखें। पहला सवाल, काइनेटिक एनर्जी की तारीफ करें, न्यूक्लियर फ्यूल से लाहक दो खतरात लिखें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या मुराद है, कौन सी फोर्स बाल के रुकने का सबब बनती है, सोलर पैनल के बारे में आप क्या जानते हैं, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, ओहम के कानून की तारीफ करें, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, कोई से चार छः अज्जा के मुख्तसर जवाब आते हैं, माइक्रो फैरड की तारीफ करें, ट्रांसफार्मर का फेल तहरीर करें, फेल का मतलब है कि ट्रांसफार्मर जो है वो क्या काम करते हैं। तो ये सवालात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ पहले ही, क्योंकि आपने इन सवालात को याद करना है। हो सकता है बेटा ये सारे सवालात आ रहे हैं, हो सकता है कुछ बोर्ड के अंदर इसमें से आधे सवाल आते हैं, हो सकता है कुछ बोर्ड के अंदर जो है वो इसमें से सिर्फ 4-5 सवाल आते हैं, लेकिन आएंगे ज़रूरी में से। सो यू हैव टू
आप प्रिपेयर इट, आपने इसको अच्छे से याद करने की कोशिश करनी है ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स ले सकें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग फेल हों। जो भी डी एस स्टूडेंट्स चैनल से बच्चे पढ़ते हैं उनके नंबर काम आए। ट्रांसफार्मर का फेल तहरीर करें, एम्पियर का दो इस्तेमाल लिखें, टेलीग्राफ की तरीफ करें, रोज़मर्रा ज़िंदगी में ईमेल की अहमियत बयान करें, फ्लॉपी डिस्क के बारे में आप क्या जानते हैं, मोनीटर से क्या मुराद है, रेडियो वेव्स क्या होती हैं, कंपैक्ट डिस्क की तारीफ करें, कोई से छः अज्जा के जवाब मुख्तसर करें। अब ये जो अभी आप लोगों को दिख रहे हैं नीचे तीसरा डब्बा शोर सवालात का, ये आपने करना है। पहला डब्बा बेटा देखें 12 मार्क्स, दूसरा डब्बा 12 मार्क्स, तीसरा डब्बा 12 मार्क्स, ठीक है। तो 12 12 नंबर, 12 3 बार 36 नंबर के आपके शोर सवालात हैं। सिर्फ और सिर्फ शोर सवालात करके ही बेटा आप लोग याद पास हो सकते हो, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको। होलोग्राफी की तारीफ करें, फाइबर ऑप्टिक्स के दो फवाइद लिखें, क्लोरीन के दो आइसोटोप लिखें, MRI के बारे में आप क्या जानते हैं, एक्सरे हड्डियों में से क्यों नहीं गुजरती, पाकिस्तान की अहम इंडस्ट्रीज के नाम लिखें, स्पार्को के बुनियादी मकासद लिखें, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ज़राअत की तरक्की में दो इस्तेमाल लिखें, रॉकेट कैसे काम करता है। तो बेटा ये सवाल थे शॉर्ट वाले जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर इनके आंसर्स किसने देने हैं, आंसर हमें कौन प्रोवाइड करेगा। तो भाई आंसर आप लोगों को ईजिली जब बुक के अंदर मिल जाएंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ इसके आंसर कोशिश करूँगा शेयर करने, अगर मिलते हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो ठीक है मिल जाएंगे, क्योंकि बुक के अंदर है, मैं आपको लिख के जो सेंड कर दूंगा जस्ट अगर आप लोग कहेंगे, अदरवाइज आप लोग बुक से देख लें आपको ईजिली मिल जाएंगे, आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। तो जल्दी जल्दी से लाइक करें एक दफ़ा वीडियो को ताकि हम लोग लॉन्ग सवाल की तरफ बढ़ें आगे। बेटा 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे ऐसे करके, उसमें से आपने कोई से ठीक है कितने करने हैं, 1 2 3 आपने इसमें से कोई से 3 करने होते हैं, 5 हैं हर सारे सवाल आते हैं आपने करने 5 के 5, इसमें से कोई से 3 करने होते हैं। सो पहला है एनर्जी बचाने के लिए 4 तजावीज तहरीर करें, न्यूक्लियर पावर पर तफसीली नोट तहरीर करें, कैपेसिटर की दो अकसाम और इनके इस्तेमाल लिखें, पोटेंशियल डिफरेंस की वजाहत करें, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में आप क्या जानते हैं, इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन कैसे जमा की जाती हैं, रेडियो आइसोटोप्स के फवाइद तहरीर करें, शुगर इंडस्ट्री पर नोट लिखें, पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम की अहमियत बयान करें, सेटेलाइट के चंद फवाइद लिखें। तो बेटा ये लॉन्ग सवालात हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। सो 24 नंबर के लॉन्ग सवालात आएंगे, जमा 36 नंबर के शॉर्ट सवालात आएंगे, जमा 15 नंबर आपके आएंगे MCQs, टोटल 75 नंबर का आप लोगों का 10th क्लास का ये जनरल साइंस का पेपर होगा। तो इंशाल्लाह ताला जिस बच्चे ने इस पेपर को याद कर लिया उसे पेपर पैटर्न भी पता चल जाएगा और वो बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स ले लेगा। सो अगर आपका बेटा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। हाँ बेटा जाते जाते यहाँ से वीडियो को लाइक करके जाना ताकि वीडियो तमाम स्टूडेंट तक पहुँच जाए, और आपको पता है कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स कैसे होते हैं भाई, कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ा ही नहीं होता पूरा साल, हो सकता है कि आपके एक लाइक करने से शेयर करने से वो स्टूडेंट्स पास हो जाए। तो बेटा यहाँ से प्लीज़ चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है, इस नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना ताकि इससे अगली वीडियो में आपको MCQ शेयर करूँगा जो कि 100% गारंटी है उन्हीं में से आ जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दी एंड, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।